बैंक लूटने आए थे, आज सलाखों के पीछे हैं। कल हाथों में पिस्तौल थी, आज हाथों में हथकड़ी है। गौर से देखिए इन दोनों बदमाशों को, इनकी शक्ल तो भोली भाली है मगर नियत और करतूत इतनी काली और भयानक है जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ, ये दोनों बदमाश जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं, ये दोनों बीते दिन गोहाना के आर्य नगर कॉलोनी में स्थित बंधन बैंक को लूटने आए थे। हाथों में पिस्तौल लहराते हुए दोनों बैंक में घुस गए थे और सीधा बैंक मैनेजर के केबिन में जाकर हवाई फायरिंग कर दी थी। बैंक में फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई और इस दौरान बदमाशों की किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। और फिर हुआ कुछ यूं कि बदमाश अपनी पिस्तौल में गोली लोड ही नहीं कर पाए और उसका नतीजा ये रहा कि बैंक के बहादुर कर्मचारी बदमाशों पर टूट पड़े और उन्हें धर दबोचा। घटना के बाद हमारे संवाददाता सुनील जिंदल ने बैंक के कर्मचारियों से खास बातचीत की और कर्मचारियों ने पूरी घटना का खुलासा किया। दिहाड़े बदमाशों द्वारा बंदूक की नोक पर एक प्राइवेट बैंक में जो है लूट की घटना का प्रयास किया गया, लेकिन बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते जो है दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। और इसमें हमारे साथ मौजूद है बैंक के कर्मचारी, बहादुर कर्मचारी मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दोनों जो बदमाश थे वो आए थे उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। जानते हैं सर, जिस तरह से आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हमने देखा कई बैंकों में लूट कर बदमाश भाग गए, यहाँ भी ऐसा ही घटना को कुछ अंजाम देने की कोशिश की गई थी, क्या क्या हुआ था उसमें? उसमें अचानक दोनों आदमी आया, आने के बाद मैं पहले टेबल पर बैठा था, वो मेरे फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीन लिया के बाद मैनेजर को बताया अंदर चलो अंदर चलो, तो मैनेजर बताया अंदर क्यों जाऊँगा, उस टाइम वो बंदूक निकल लिया, पिस्तौल निकल के एक फायरिंग भी किया, फायरिंग वो मिस हो गया। जब मिस हो गया मैनेजर पीछे से पकड़ लिया उसका हाथ में, दोबारा बंदूक लगाने के लिए मैंने गोली लगाने के लिए कोशिश कर रहा था, उस टाइम मैं जाके बंदूक पकड़ लिया, बंदूक पकड़ के उसके साथ थोड़ा क्या बोलते हैं उसको पकड़, हाँ उसको पकड़ के धक्का बक्की हो रहा है। उसके बाद मैं छीन लिया बंदूक, छीन के बाहर आया, बाहर आके आदमी को बोला था मुझे, भाई मैं अंदर दो बदमाशों को पकड़ के मैं उसको हाथ से बंदूक छीन के आया, आप थोड़ा आ जाइए हमारा हेल्प करिए। कोई आया नहीं बाहर से, सब गेट बंद कर दिया है। फिर उसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आया आके उसको ले चले गए। तो पता लगा कि दूसरा से आपकी दोनों के साथ हाथापाई भी हुई है, मारपिटाई भी हुई है, आपको चोट भी लगी हाथ पे, तो डर नहीं लगा आपको? सर आप फायरिंग कर दिया ऑलरेडी, एक गोली फायरिंग कर दिया, अगर वो लग जाता था तो हमारा कोई आदमी तो मर जाता था ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक फायरिंग कर दिया, दोबारा फायरिंग करने के लिए वो रेडी होता था उस टाइम, उसको क्या करेगा, हम तो मरेगा, तो उस पकड़ लिया, इसलिए दो आदमी था, इसलिए हम 6 आदमी था, पकड़ लिया उसको, जहाँ मरूंगा उसको पहले उसको पकड़ लो, मरने नहीं दूंगा, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, चलो पकड़ लो, ये पहले पकड़ लिया मैं, उसके बाद पिस्तौल उसके पास छीन लिया लड़ाई करके। तो जिस तरह से अपने बहादुरी का एक परिचय दिया, बंदूक की परवाह ना करी, गोली लग जाती आपको कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत हो जाती थी, तो एक बहादुरी का परिचय देते हुए आपने घोषणा रखा कि भाई दोनों बदमाश, दोनों को पकड़ लिया, गोली नहीं चली, तो क्या मान, जिस तरह से आपके बैंक के ऊपर जो अधिकारी है उन्होंने कोई शाबाशी या कोई आपको प्रमोट करने की बात कही है या पुलिस वाले की तरफ से? हम लोगों को जो अधिकारी है डीएम सर ने, तो वो लोग को थैंक्स दिया, सब लोगों को, पूरी टीम को थैंक्स दिया, गोहाना टीम को सबको थैंक्स दिया। अच्छा, मैं उस समय की घटना जानना चाहता हूँ, जिस तरह से वो जब एंट्री की आपके बैंक में दोनों बदमाशों ने, तो उस टाइम क्या हुआ था, क्या तो क्या पहने हुए थे, किस चीज़ पे आए थे और क्या बोला उन्होंने आपको? वो पहले बाइक आया, दोनों बाइक ले कर आया बाहर खड़ा करके, एक हेलमेट पहन के था और एक सादा फट्टी पहन के आया, तो मैनेजर को बताया कि साइन कराना है, लोन फॉर्म में साइन कराना है, तो मैनेजर आ जाओ, गेट खोल दिया, आ गया अंदर जाके, जब पहले पहले था ना जहाँ खड़ा था, हम वहाँ जाके पहले बताता चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो, ऐसा कर रहा है सबको, तो मैनेजर बोला साइन करने के लिए अंदर क्यों जाऊँगा, क्या बताओ, उस टाइम वो पिस्तौल निकल दिया, एक फायरिंग कर दिया, ठीक है, उस मैनेजर जब वो फायरिंग किया, मैनेजर पीछे से पकड़ लिया उसको, मैनेजर पकड़ लिया, मैं जाके उसको पिस्तौल फिर दोबारा गोली लगाने की कोशिश कर रहा था, वो गोली भी वहाँ गिर गया, उसको मैं छीन लिया, दोनों मिल के पिस्तौल छीन लिया, और हमारा जो 4 स्टाफ था वो और एक आदमी को पकड़ लिया उसको, तो उसके बाद 100 नंबर पे कॉल कर दिया। कितनी देर में पुलिस आ गई थी? लगभग 10-15 मिनट के अंदर आ गया, 10-15 मिनट के अंदर, मैं बाहर जाके खड़ा होकर सबको पुकार, तो कोई आया नहीं। अच्छा, जो बाहर कॉलोनी में थे? हाँ, मैं पिस्तौल लेके हाथ पे लेके बाहर जाके पुकारता हूँ जो भाई यहाँ दो बदमाश को पकड़ लिया, उसको पास से पिस्तौल छीन के मैं बाहर लेके आया, आप लोग थोड़ा आइए हम लोग हेल्प कर दिए,
कोई आया नहीं, कोई सब से गेट बंद कर रहा है, शटर बंद कर रहा है। अच्छा, आपकी नाम और पोस्ट क्या है इस बैंक में? मेरा नाम है महीदुल इस्लाम, मैं कलकत्ता रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ एरिया मैनेजर हूँ। तो सर आपका क्या नाम है, आपकी क्या पोस्ट है? मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरी पोस्ट यहाँ पर मैनेजर के रूप में है। अच्छा, जिस तरह से कल सर ने बताया कि जिस तरह से दोनों बदमाश आए थे, फायरिंग की, उसके बाद जब उन्हें पकड़ने की कोशिश, दूसरा जो राउंड उन्होंने चलाने की कोशिश की तो मिस हो गया, तो जब आप सर ने एकदम चलाया, सारे भागे एकदम, तो डर नहीं लगा आपको क्या? सर डर तो लगा, लेकिन जब जान से प्यार है तो अच्छा यही है कि उसको पकड़ना था, क्योंकि फायर तो मेरे ऊपर ही कर चुका था ना वो, दूसरा फायर भी दागने के लिए तैयार कर रहा है, तो क्या करेंगे सर, उसमें पकड़ेंगे उसको। तो अभी हमने पिछले कुछ दिन में देखा कि बैंकों में लूट की घटना काफ़ी बढ़ गई है, अभी एक रोहतक में भी सामने आया था, पीछे गोहाना में भी सामने आया, और भी कई और घटनाएं पूरे हरियाणा से आ रही हैं, तो क्या उसमें महसूस किया कि जब आपने पकड़ा तो क्या लगा? तो बस पकड़ा तो यही लगा कि या तो जान से जाएंगे या बच जाएंगे, एक ही काम होगा। हाँ, बस यही लगा सर उस टाइम। तो अब कैसा लग रहा है? अभी भी थोड़ा है सर, थोड़ा वो तो रहता है, डर है। हाँ रहता है कि हो सकता है दोबारा भी हमला करे, हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, अब तो जिस तरह से पुलिस को पकड़ लिया दोनों बदमाश, वो जो भी थे बंदूक भी उनकी पकड़ ली है, तो अब क्या, अब किसी का डर लग रहा है? नहीं नहीं, अब तो डर नहीं है ना, क्योंकि फील्ड वगैरह का काम रहता है, अब बंदा ये होता है कि भाई शिनाख्त हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा है, तो वैसा कुछ नहीं है, वैसे तो अपना नॉर्मल है, अभी ठीक हुआ, केस सॉल्व हो गया। ये थे हमारे साथ दोनों बैंक के कर्मचारी, जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों बदमाशों की पहचान हिसार निवासी मोहित और भिवानी के रहने वाले मनोज के रूप में हुई है। ये दोनों बदमाश महम में मिले थे और पैसों की जरूरत के चलते इन्होंने बंधन बैंक को लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ में दोनों बदमाशों ने खुलासा किया है कि लॉकडाउन के चलते वो बेरोजगार हो गए थे और पैसों की जरूरत ने इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्हें बैंक लूटने के सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि ये दोनों बदमाश बहाना कोई भी बनाए, लेकिन पुलिस थानों में दर्ज इनके पिछले रिकॉर्ड यही कहते हैं कि इन दोनों ने पहले भी कई चोरियां की हैं और कई डाके भी डाल चुके हैं। गोहाना के आर्य नगर में एक बैंक में दो बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना की कोशिश की, लेकिन बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते जो है बैंक कर्मचारी ने दोनों ही जो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे साथ गोहाना सिटी थाना के SHO हैं, प्रभारी हैं, जो इनसे पूछते हैं अब क्या कार्रवाई की जा रही है, पूरा क्या मामला था सर? जिस तरह से बैंक में जो दो बदमाश गए थे लूट की घटना को अंजाम देने के लिए, तो अब उनको पकड़ा गया है, तो कौन है, कहाँ के, क्या था? दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक आरोपी इशार का रहने वाला है, एक आरोपी बयानी करने वाला है। अभी तक दोनों आरोपी से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इसमें एक तीसरा आरोपी भी जो गोहाना का रहने वाला था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने तीनों आरोपियों ने 3 या 4 दिन पहले इनसे मिलकर आपस में रैकी की गई, जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया। तीसरा आरोपी अभी फरार चला हुआ है, लेकिन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। सर इनसे क्या क्या बरामद किया गया है, उस समय जो बैंक में कितना कैश मौजूद था? अभी तक बैंक मैनेजर ने बताया कि उस समय बैंक में 5 से 6 लाख रुपए कैश था, और दोनों आरोपियों से अभी एक से पिस्टल बरामद किया गया है और एक बाइक रिकवर की गई है। सर क्या कोई इन पे पहले भी मामले दर्ज हैं किसी तरह के, और ये जो क्या इनामी बदमाश हैं, किस तरह के बदमाश रही? दोनों आरोपी पहले भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, इस पे चोरी के मुकदमे भी हैं, 420 के भी हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी, 307 के मुकदमे भी हैं, जो काफ़ी मुकदमे जमानत पर आए हुए हैं। तो सर जिस तरह से बैंक कर्मचारियों ने एक साहस दिखाते हुए दोनों बदमाशों को पकड़ा है, तो क्या इनका नाम भी कहीं से रिकमेंड किया जाएगा प्रशंसा पत्र के लिए? जी बिल्कुल किया जाएगा, बैंक कर्मचारियों को हमारी तरफ से प्रशंसा पत्र के लिए नाम भेजा जाएगा रिकमेंड के लिए। तो सर आज इनको पेश किया जाएगा? हाँ जी, आज इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, रिमांड पर लिया जाएगा। तो अभी तक की पूछताछ में सामने आया कि जो आरोपी थे, इन्होंने एक गोहाना का और युवक के साथ मिलकर जो है बैंक में रेकी की थी, उसके बाद यह रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक के जो कर्मचारी थे उनकी साहस की बदौलत जो है बैंक कर्मचारियों ने दोनों को पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपियों को गोहाना पुलिस आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी और कई खुलासे करेगी। गोहाना से पंजाब के सही के लिए सुनील जिंदल। कुल मिलाकर कर्मचारियों की दिलेरी और बहादुरी ने बैंक को लूटने से भी बचा लिया और दो नामी बदमाशों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गोहाना पुलिस अब दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बदमाशों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई चोरी और डकैती की घटनाओं से पर्दा भी उठ सकता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।